दीजिए शुभम नैयर एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की जो वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस टाइप से जो आप अपना खुद का ब्लॉग बना सकते हैं ब्लॉगर के थ्रू। तो ये सब कुछ आपको कैसे करना है अब मैं आपको ट्यूटोरियल के थ्रू समझाता हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए इस वीडियो में आपको ब्लॉग कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताने रहा हूँ। तो देखिए आप सबसे पहले आपको ब्लॉगर लिखना है, तो ब्लॉगर लिखना है यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग। तो ब्लॉगर सर्च कर लीजिए अब जो भी आ रही है, तो ये blogger.com पे हूँ मैं। अब क्लिक कर दीजिए क्रिएट योर ब्लॉग, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास जीमेल की आईडी है तो आपको कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बस आपको अपनी जीमेल की आईडी का पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। अब मेरा जो है ये मेरी टेम्परेरी आईडी है, मैंने बना रखी है जीमेल पे, ये इसलिए बना रखी है कि ताकि आप लोगों को मैं चीजें बता सकूं। बाकी इस पे मैं ये बोलूंगा इस पे आप कांटेक्ट करने की कोशिश करो तो फायदा होगा। इसके बाद में आपके पास ऑप्शन है कि आप एक प्रोफाइल लगा सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए, या फिर अपनी गूगल प्लस प्रोफाइल यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बेज लगा सकते हैं, ना ब्लॉगर प्रोफाइल बना सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास, तो प्रोफाइल ऑप्शन एंड क्रिएट योर लिमिटेड ब्लॉगर प्रोफाइल क्रिएट गूगल प्लस, तो ये इस पे क्लिक कीजिए क्रिएट लिमिटेड। डिस्प्ले नेम आपको जो अपना ब्लॉगर का डिस्प्ले नेम क्या चाहिए, तो कुछ भी आप अपना, यानी कि ब्लॉगर के ऊपर आपका जो ब्लॉग है किस नाम कौन चाहिए। तो पहले तो मैं अपना ही नाम देता हूँ, मैं शुभम जांगिड, ठीक है, शुभम जांगिड ब्लॉगर, ठीक है, थोड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, कंटिन्यू टू ब्लॉगर आपका जो है डिस्प्ले नाम, क्यों ना ब्लॉगर, यानी कि आप यहाँ पे एक ब्लॉगर हो, ठीक है। तो ये देखिए ब्लॉगर में हो गया हूँ। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, उन्होंने बोला यूरोपियन यूनियन लॉज रिक्वायर्ड टू गिव यूरोपियन यूनियन विजिटर इन्फॉर्मेशन अबाउट कुकीज यूज ऑन योर ब्लॉग। तो कुकीज से मतलब ये होता है, देखिए मैं जब कोई ब्लॉग के ऊपर कुछ भी चीज यूज करूंगा तो वो जो है मेरी कुकीज में जाके सेव हो जाएगी, जो छोटा मोटा डेटा यूज करूंगा। तो इस हिसाब से जो है इन्होंने बोल रखा है, इनमें कैस दैट लॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टन, तो इसके ऊपर जो है कुछ चेंज हुआ है, तो वो रूल इस पे लिखा हुआ है, वो आप खुद पढ़ सकते हो। आप बाकी अगर आप इसको एडसेंस से कनेक्ट करोगे तो उसके थ्रू आप मनी अर्न कर पाओगे। क्लिक करिए क्रिएट न्यू ब्लॉग पे। अब ये देखिए इंटरेस्टिंग चीज है गाइस, ब्लॉग बनाना, उसके बाद में जो आपके पास डिजाइन अवेलेबल है टेम्पलेट्स बोलते हैं इनको हम, अब जो है आपको अपना ब्लॉग का टाइटल देना है, तो टाइटल दे दीजिए कुछ भी, यू नो टेक माई, यू नो टेक रिक्स, यू नो टेक टेक टिप्स एंड ट्रिक्स, टेक टिप्स एंड ट्रिक्स, टेक टिप्स एंड जरूरी नहीं है। अब देखिए इसके बीच में स्पेस भी दे सकते हैं आप, ठीक है ना, ये मैंने टाइटल सीधा क्योंकि मेरा ब्लॉग स्पॉट का एड्रेस है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका एड्रेस डाल दीजिए और बीच में जो है इसका जो है टाइटल, आप टाइटल के बीच में जो है स्पेस दे सकते हैं, तो आप टाइटल के बीच में जो है स्पेस दे दीजिए, ठीक है, तो नहीं होगा ना, ठीक है, ये तो ये हो गया और इंट यंस एन एस, लेकिन ये टाइटल जो है गाइस ये देखिए ये बहुत बड़ा हो गया है, तो इसको मैं बोलूंगा छोटा रखने की कोशिश कीजिए, तो छोटा रख सकते हैं टेक टेको शुभी, यानी कि शुभी जो मेरा निकनेम है, तो टेको शुभी इस टाइप से मैंने इसको रखा है। क्रिएट ब्लॉक कर दीजिए, ये जो है बन गया है हमारा, ठीक है, तो छोटा रखिए वो जो वहां का जो नाम है उसको छोटा रखिए ताकि नॉर्मली लोग उस पर पहुंच जाए, ठीक है। तो सर्च डोमेन, यू नो फाइंड डोमेन नेम फॉर योर ब्लॉग, अगर आप डोमेन खरीदना चाहते हो खुद के लिए तो वो भी आप खरीद सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी हम खरीदेंगे, अभी जो है हमारा blogspot.com करके जो है ब्लॉग आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे आपके एंडिंग वगैरह आई है कैंपेन वगैरह, लेकिन यहाँ से जो है आप अपना लेआउट चूज कर सकते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे फेविकॉन आ रहा है, यू नो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, थीम चेंज कर सकते हो यहाँ से, तो एक अच्छी सी आप थीम ले लीजिए, ठीक है ना। ब्लॉग जो बनाते हैं थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मेरी कोशिश है अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको बताऊँ, ठीक है। तो ये देखिए लाइक देखिए यहाँ पे बहुत सारी थीम्स अवेलेबल है, हम ये ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इतना अच्छा ब्लॉगर हूँ नहीं फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को ब्लॉगिंग बहुत बोरिंग लगती है, मेरे को तो एक्चुअली वीडियो बनाना भी इंजॉय के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं बहुत आलसी हूँ वैसे, ठीक है, चलिए ठीक है। तो अगर आप काफी ज्यादा आलसी हो तो मुझे लगता नहीं ब्लॉग को आप मेंटेन कर पाओगे, तो इस टाइप से हमने जो है बना लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये हमारा ब्लॉग बन चुका है, इसको हम और कस्टमाइज कर सकते हो ना, हमारे पास और ऑप्शन है इसको आप, तो ऑप्शन बहुत मिलते हैं आपको। तो देखिए इस टाइप से आपके पास आ गया है कि बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो, एडवांस ऑप्शन है ना, कलर है यहाँ पे, तो कलर यानी येलो करना है येलो रख लीजिए, तो ऑप्शन है आपके पास। फिर एडवांस में है आपके पास एडवांस कुछ ऑप्शन है कलर वलर फॉन्ट वगैरह चेंज करने का, और जो कुछ गैजेट्स है जिसको आप कॉन्फ़िगर करके उनको यूज कर सकते हो, ये वाली चीजें, तो ये सारी चीज जो है आपको एक ब्लॉगर के अंदर मिल रही है। खैर ये सब कुछ कर दीजिए और फिर इसको कर दीजिए अप्लाई टू ब्लॉग, ठीक है, लेकिन हमने कुछ चेंजेस किया नहीं है तो मैं कुछ उसको रहने दूंगा, ठीक है, बड़ा होगा लेकिन कोई बात नहीं।
तो ये देखिए हमारा ब्लॉग है। अब जो इस पे पोस्ट करना चालू करेंगे अब, तो इसमें देखिए पोस्ट पे जाते हैं, और पोस्ट पे जाके जो है आप यहाँ से देखिए अपनी ब्लॉग की पोस्ट लिखना चालू कर दीजिए, और यहाँ से देखिए आपका ब्लॉग जो है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जो भी आप पोस्ट करोगे वो एक ब्लॉग होगी। तो इतना इजी है फ्रेंड्स ब्लॉग करना, बनाना बहुत इजी है। इसका टाइटल दे रहा हूँ मैं, माई फर्स्ट ब्लॉग। अब मैं ब्लॉग जो है लिखने के लिए दे रहा हूँ इनकी पर्सनल टेक ब्लॉग नहीं बोल रहा हूँ, माई फर्स्ट ब्लॉग। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुभम हियर एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग, इट्स ओनली फॉर लर्निंग फर्स्ट। अब मेरी अगर इंग्लिश खराब है तो उसके लिए प्लीज हंसना मत। दिस इज ओनली फॉर लर्निंग, This is only for learning. तो ये जो है सिर्फ ओनली लर्निंग के लिए है। बस इस वीडियो में इतना नहीं है, अभी आगे मैं आपको बता भी सकता हूँ और बताने वाला हूँ। तो इस टाइप से ये मैंने ब्लॉग लिख दिया है, ठीक है। तो ये मैं कर दूंगा इसको पोस्ट। अब देखिए यहाँ पे आपके पास फंड का ऑप्शन है, किस टाइप का आपको फंड चाहिए, ये टेक्स्ट है, इसके अलावा आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल है। फिर बोल्ड के लिए ये यानी कि फॉर्मेटिंग है, इसके बाद में कलर फॉन्ट के लिए है कि किस टाइप से रखना है, ये टेक्स्ट बैकग्राउंड के कलर, इनके टेक्स्ट का बैकग्राउंड कैसे रखना है। अगर आपको लिंक अटैच करनी है तो यहाँ के थ्रू आप किसी भी वेबसाइट का लिंक अटैच कर सकते हैं, यहाँ के थ्रू आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप वीडियो इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ से आप इमोजी इंसर्ट कर सकते हो, लाइक इस टाइप से स्पेशल कैरेक्टर वगैरह, ठीक है। तो ये चीज आप इंस्टॉल कर सकते हो। एंड इसके अलावा ये ऑर्डरिंग है, इसके अलावा ये क्वाटो के लिए है, फिर ये रिमूव फॉर्मेटिंग है, फिर ये क्या इस पर लिखा होगा ना, चेक स्पेलिंग के लिए, यानी कि अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है तो वो भी, और अगर आपको हिंदी में ट्रांसफर करना है तो वो भी है। तो इस टाइप से कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको इसको शेड्यूल पर लगाना है तो शेड्यूल लगा सकते हैं, लोकेशन दे सकते हैं कि कौन सी लोकेशन से जो है आप कर रहे हैं। तो ठीक है, ये जानेगा नहीं ये कौन सी है, ठीक है ना, मेरा कंप्यूटर इतना तो समझदार है नहीं। ठीक है, तो लाइक जहाँ पे मैं रहता हूँ मैंने वहाँ की लोकेशन दे दी है, ठीक है, जयपुर, यू नो सबको पता है वैसे मैं जयपुर में रहता हूँ। जो मेरे यू नो कुछ यूट्यूबर है जो जो, जो मेरे को फॉलो करते हैं, यानी कि जो मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, जो जानते हैं मेरे को अच्छी तरह, सेट डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक, तो ये इस टाइप से जो है काम करेगा। तो डन कर देते हैं अब हम इसको, और यू नो जब भी आप इसको कर सकते हैं, यू नो शेड्यूल जब भी आपको इसको करना है वो जो है आप तारीख आप फिक्स कर सकते हो, जो टाइम है वो आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से वो भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या है लाइक इसको मैं कर देता हूँ, यू नो अभी आज 14 तारीख है तो इसको मैं कर देता हूँ, तो ये जो हो गया ये रात को 10:05 पे मेरा जो पहला ब्लॉग है वो पोस्ट हो जाएगा। लेकिन हम इसको शेड्यूल नहीं करेंगे, हम इसको जो है डायरेक्टली पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हम भूल जाते हैं, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं पब्लिश, ठीक है। तो ये जो है देखिए मेरा पहला ब्लॉग बन चुका है, और ये देखिए क्रिएट न्यू पोस्ट, तो ये देखिए ये हमारी आ गई है, और देखिए पब्लिश हो चुकी है। तो ये देखिए मेरी पोस्ट आ चुकी है, यहाँ से मैं व्यूज देख सकता हूँ, यहाँ से मैं देख सकता हूँ कितने व्यूज हुए इसके, यहाँ से मैं इसको मेरा ब्लॉग को देख सकता हूँ मैंने क्या लिखा है। तो इस टाइप से देखिए आप जो है ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा कि आपको समझ में आएगा किस टाइप से आप जो है ब्लॉगर के ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ।